हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज हम हमारे CSS प्रॉपर्टीज़ के day 7 में हैं। वैसे प्रीवियस की क्लासेस में हमने CSS के बहुत सी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से देख लिया है, तो आज जो हमारी CSS की प्रॉपर्टी है उससे आपको एक न्यू आपकी जो CSS की प्रॉपर्टी है उसके बारे में इंट्रोडक्शन मिलेगा। तो जो हमारी आज की CSS की प्रॉपर्टी है उसका नेम है हमारे CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, आप कोई बॉक्स बनाते हैं, बॉक्स के ऊपर आपने देखा होगा एक राइट में, टॉप में, लेफ्ट में, बॉटम में बॉर्डर्स होती है ना। तो उस बॉर्डर्स के लिए जो जो प्रॉपर्टीज़ आप सेट कर सकते हैं CSS के थ्रू, किस किस तरह से स्टाइल दे सकते हैं, वो आपका CSS प्रॉपर्टीज़ के अंदर में आता है। दी CSS बॉर्डर प्रॉपर्टी अलाउज यू टू कस्टमाइज दी बॉर्डर्स अराउंड HTML एलिमेंट। यानी HTML एलिमेंट्स के चारों तरफ आप CSS प्रॉपर्टीज के थ्रू एडिटिंग कर सकते हैं, स्टाइल्स दे सकते हैं। यू कैन सेट दी थिकनेस और विड्थ, कलर और स्टाइल टू ईच बॉर्डर। यानी हर बॉर्डर पे आप थिकनेस, उसकी विड्थ, उसमें कलर क्या देना चाहते हैं, किस स्टाइल की आप बॉर्डर अप्लाई रखना चाहते हैं अपने जो भी आप प्रोग्राम बना रहे हैं वेबसाइट पे, तो वो आप CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज के थ्रू सेट कर सकते हैं। अब देखते हैं CSS बॉर्डर के मेनली कितने टाइप्स हैं। देर आर मेनली थ्री बॉर्डर प्रॉपर्टीज, तीन बॉर्डर प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि दी बॉर्डर स्टाइल। यानी आप बॉर्डर की स्टाइल क्या देना चाहते हैं, सॉलिड, डैश्ड लाइन, डबल लाइन और वन, और कोई सी भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस टाइप की भी आप बॉर्डर रखना चाहते हैं वो आपकी CSS बॉर्डर स्टाइल्स में आ जाती है। बॉर्डर पे आप कलर क्या देना चाहते हैं वो आप कलर भी दे सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो। बॉर्डर की विड्थ यानी चौड़ाई कितना रखना चाहते हैं वो भी आप CSS बॉर्डर प्रॉपर्टीज के थ्रू अप्लाई करवा सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दी अबव थ्री, वन मोर प्रॉपर्टी इज बॉर्डर। इन तीनों के अलावा एक और बॉर्डर की प्रॉपर्टी है जो कि आपकी बॉर्डर, जिसे हम शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी भी कहते हैं। अब देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है। जैसे कि आप क्या लिख सकते हैं, बॉर्डर लिखते हैं, कॉलन लगाते हैं, फिर जो भी आपको आपकी बॉर्डर पे अप्लाई करना करवाना है तो आप बॉर्डर विड्थ लिखेंगे, फिर कॉलन लगा के जितनी भी आपको विड्थ चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। बॉर्डर स्टाइल क्या देना चाहते हैं आप, वो कॉलन लगा के वहाँ पे स्टाइल्स का नेम लिख सकते हैं। बॉर्डर का कलर क्या देना चाहते हैं आप, बॉर्डर कलर लगा के, कॉलन लगा के आप इस तरह से आपकी जो भी बॉर्डर है प्रोग्राम में उस पर इफेक्ट दे सकते हैं, उस पर बॉर्डर पे को अच्छा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए, अभी हमने स्टाइल्स में कुछ भी नहीं लिखा है, केवल आप प्रोग्राम देखिए। जैसे कि हमने वेलकम टू लिखा है और हमने नीचे इसमें प्रोग्राम में हेडिंग्स लिखी है। अभी देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, हेडिंग 3-3 कॉपी हो गई है। यहाँ पे हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 और डिव और पैराग्राफ दिया है। ठीक है, हम हमारा जो आउटपुट आएगा ना उसमें इस तरीके से देखेंगे कि क्या हमारा रिजल्ट आ रहा है ना। हमने इन बॉर्डर्स पे क्या करके देखेंगे, एग्जाम्पल करके देखेंगे। अभी हमने सेव करा और देखिए वो बाय डिफ़ॉल्ट 3 था, तो हमें आउटपुट सारी हेडिंग्स हेडिंग 3 के अकॉर्डिंग शो हो गई है हमारे आउटपुट में। देखिए वेबसाइट पे जब हमने रिफ्रेश करा तो हमें इस तरह से हमारा जो भी प्रोग्राम था उसका आउटपुट शो आ रहा था। अब हम देखेंगे कि अगर हम हमारी इन बॉर्डर्स पे, हमारे जो भी टेक्स्ट है उन पे बॉर्डर्स अप्लाई करना चाहते हैं तो हम क्या क्या एडिटिंग कर सकते हैं। तो उसके लिए हम वापस कहाँ आते हैं, हमारे प्रोग्राम में आते हैं। तो प्रोग्राम में आए, देखिए अब हमने करेक्शन कर लिया है। यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 दे दिया है नीचे हमारे बॉडी के अंदर में, बॉडी कंटेंट्स के अंदर में। और ऊपर देखिए हमने स्टाइल्स में स्टाइल दिए। ठीक है, हेडिंग 1 के लिए हमने बॉर्डर जैसे सॉलिड रेड दे दी, हेडिंग 2 के लिए हमने डबल ब्लू दे दी। ठीक है, यानी हमने सभी बॉर्डर्स के लिए पिक्सल्स भी यहाँ पे सेट कर दिए, 5 पिक्सल्स, और उनके लिए स्टाइल्स भी हमने यहाँ पे दे दिए, यानी जैसी भी हम रिक्वायरमेंट चाहते थे। डिव सेक्शन पे हमने अलग दिया और पैराग्राफ पे अलग। सेव करके जब हम हमारा आउटपुट देखेंगे प्रोग्राम का, तो देखिए इस तरह से क्या होगा, जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसमें जो हमारा टेक्स्ट लिखे हुए उन सभी पे क्या है, जो भी हमने बॉर्डर की सेटिंग्स दी थी वो बॉर्डर्स की सेटिंग्स हमारे टेक्स्ट पे अप्लाई होके हमें शो हो गई है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, जैसी भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे डैश्ड में, चाहे वो डॉट्स में, चाहे आप अपने टेक्स्ट पे क्या कर सकते हैं, बॉर्डर की CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को इफेक्ट दे सकते हैं। आई होप आपको CSS की बॉर्डर प्रॉपर्टीज़ में आज के ये वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।